सुपरस्टार महेश बाबू और स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन के बीच में आने वाले 2020 में होने वाले है बिग क्लैश, और पहली बार इस तरह की बड़े क्लैश के सामना होने वाले है ऑडियंस ने। तो इन दोनों पावरफुल एक्टर में से कौन होने वाले है बॉक्स ऑफिस किंग? तो दोस्तों, आज मैं महेश बाबू और अल्लू अर्जुन की बॉक्स ऑफिस टक्कर के बारे में बताने वाली हूँ। और अगर आप हैं महेश बाबू और अल्लू अर्जुन के फैन तो ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। पहले बात करती हूँ महेश बाबू के फिल्म सारी लेरू निक्की वारू के बारे में। ये एक तेलुगु एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है अनिल रविपुदी ने। इसमें महेश बाबू और रश्मिका मंदाना लीड रोल पर है। महेश बाबू का इस फिल्म का हर एक पोस्टर तो देखने में काफी प्रॉमिसिंग है और फैंस ने काफी एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर। और ये फिल्म तो पूरी तरह से देशभक्ति से भरपूर है। इसमें इंडियन आर्मी मेजर का रोल में नजर आएंगे महेश बाबू। देखा जाए तो अल्लू अर्जुन का लास्ट फिल्म था नापेरु सूर्या नाइलू इंडिया, जिसमें वो इंडियन आर्मी सोल्जर थे, पर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर उतना खास नहीं निकला। तो क्या कोई कमी थे उस फिल्म में, और क्या तेलुगु ऑडियंस को स्टोरी पसंद नहीं आई? अगर बात करें महेश बाबू की फिल्म सारे नेलू निक्की वारू भी आर्मी बेस्ड फिल्म होंगे, तो ऑडियंस को क्या ये अच्छे लगेंगे? ये क्या अल्लू अर्जुन की फिल्म के तरह कुछ खास नहीं होंगे? और एक बात, एक पिक्चर सोशल मीडिया में वायरल हुई है, उसमें महेश बाबू और अल्लू अर्जुन का आर्मी लुक को दोनों साइड में रखकर कंपेयर करते हुए फैंस ने उन लोगों का राय डाल रही है। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। एक ही आर्मी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, इसमें मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दोनों ही है मोस्ट 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 पावरफुल एक्टर। और अब बात करूँ अल्लू अर्जुन का फिल्म अला वैकुंठपुरमुलु को लेकर। ये एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने, और इसके साथ त्रिविक्रम और अल्लू अर्जुन की होने वाले है थर्ड कोलैबोरेशन। इससे पहले इन दोनों ने मिलकर जुलाई और सॉन ऑफ सत्यमूर्ति दे चुके हैं, और इस फिल्म में अल्लू अर्जुन, पूजा हेज, निविता पित्रज और ताबू लीड रोल पर है। अल्लू अर्जुन का लास्ट फिल्म नापेरु सूर्या था, और इस पर अल्लू अर्जुन ने एक बड़ा सा धमाका देना चाहते हैं उनके ऑडियंस को, और फैंस ने काफी एक्साइटेड भी है इस फिल्म को लेकर, क्योंकि अभी भी ये खुलासा नहीं हो रही कि असल में किस तरह की कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म में। अगर पोस्टर की बात किया जाए तो एक बार एक मामूली से आदमी सब्जी के बैग लेकर अनोइंग सा लुक दे रही है, और एक बार तो सूट बूट पहनकर एक ऊंची बिल्डिंग के सामने सिगरेट पीते हुए नजर आ रही है, और एक बार एक डॉन की तरह सिगरेट मुंह पे लेकर एक मुर्गा बगल पे लेकर स्टाइल से चल रहे हैं, और एक बार तो फुटबॉल ग्राउंड पे फाइटिंग खत्म करके पोज देकर खड़े हैं। लो अब अभी कहो अल्लू अर्जुन ने कौन सी रोल प्ले कर रही है इस फिल्म में। लो छोड़ो, अल्लू अर्जुन की इस फिल्म का सॉन्ग रिलीज होने के बाद ये अब इंडियन की हाईएस्ट व्यूअर्स और नंबर वन ट्रेंडिंग पर है, और इसके बारे में आपको क्या कहना है? दोस्तों बता दूं, सारे लेरु निक्की वारू और अला वैकुंठपुरमुलु दोनों मूवी रिलीज होने वाले हैं 12 जनवरी 2020 पर। तो दोस्तों ये रहा महेश बाबू और अल्लू अर्जुन की बॉक्स ऑफिस क्लैश के बारे में। आप कौन सी फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट करके बताना, और ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो लाइक करना। और महेश बाबू और अल्लू अर्जुन का फैंस इस तरह के साउथ इंडियन अपडेट पाने के लिए मलेशियन को जरूर सब्सक्राइब करना।